हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों अभी फिलहाल में एक जो न्यूज है, दोस्तों यह जो न्यूज है बहुत ही चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों यह न्यूज क्या है? दोस्तों यह जो न्यूज है यूराइज पोर्टल को लेकर के है। दोस्तों यूराइज पोर्टल क्या है, क्या इस पे अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और जिनका यूजर नेम नहीं बन रहा है वो क्या करेंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे, यानी तमाम तरह के आपके समस्याओं के जवाब देंगे इस वीडियो में। और दोस्तों आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि यूराइज पोर्टल क्या है, या किसको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, पॉलिटेक्निक के कौन से ईयर वालों करना है, कौन से ईयर वालों का नहीं करना है, गवर्नमेंट कॉलेज वालों करना है कि प्राइवेट कॉलेज वालों करना है, इस तरीके की जो बातें हैं हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यूराइज पोर्टल के बारे में बीटीयूपी ने ऑफिशियल नोटिस भी घोषित किया है। दोस्तों अगर आप इस नोटिस को पाना चाहते हैं, स्वयं से पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहले हम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे सामने जो नोटिस है वह यूराइज पोर्टल को लेकर बीटीयूपी द्वारा जारी की गई है। दोस्तों यह जो नोटिस है यह आपको बीटीयूपी की ऑफिशियल साइट पर नहीं मिलेगी, यह नोटिस जो है सभी कॉलेज वालों के पास ईमेल के माध्यम से भेजी गई है, और बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है और समयबद्ध है, यानी कि इसकी जो डेट है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं है। किन स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, किन को नहीं करना है। दोस्तों देखिए, पहला चीज़, यह जो रजिस्ट्रेशन है, चाहे आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो चाहे आईटीआई स्टूडेंट हो, अगर आप कोई भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों अब पॉलिटेक्निक और आईटीआई स्टूडेंट के बारे में तो बात कर ली, अब बात करेंगे किन कॉलेज वालों करना है, प्राइवेट कॉलेज वालों करना है कि गवर्नमेंट कॉलेज वालों करना है। दोस्तों यह जो रजिस्ट्रेशन है सभी कॉलेज वालों को करना है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हों, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के हों, चाहे एडेड कॉलेज के हों, किसी भी कॉलेज के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों अब बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक या आईटीआई के किन ईयर वालों को रजिस्ट्रेशन करना है, क्या फर्स्ट ईयर वालों को करना है, कि सेकेंड ईयर वालों को करना है, कि थर्ड ईयर वालों को करना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जो रजिस्ट्रेशन है पॉलिटेक्निक के सभी और आईटीआई के सभी वर्ष के स्टूडेंट को करना है, चाहे आप भले ही फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या फिर थर्ड ईयर में हो, सबको इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। अब आपको बताएंगे इसमें रजिस्ट्रेशन करने से आपको लाभ क्या मिलेगा, और उसके बाद जो इस नोटिस को डिस्कस करेंगे, जो यह नोटिस जारी की गई है यूराइज पोर्टल को लेकर के, इसमें क्या बताया गया है। दोस्तों इसको भी डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले आपको बता देते हैं इस पर रजिस्ट्रेशन करने से आपको लाभ क्या मिलेगा। दोस्तों इस पर रजिस्ट्रेशन करने से आपको यह लाभ मिलेगा, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, दोस्तों अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक के हों चाहे आईटीआई के हों, तो जो है अभी फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम तो पॉलिटेक्निक के चल रहे थे, तो एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, अब रिजल्ट आने की बारी है। दोस्तों रिजल्ट तभी आपका घोषित होगा जब तक आप अपना यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आप अपना यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपके जो रिजल्ट आने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि बीटीयूपी ने साफ साफ इस नोटिस में बोला है कि जो बच्चे यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका ही क्यों रिजल्ट घोषित किया जाएगा। दोस्तों तो फाइनल ईयर वालों के लिए इस तरीके से तो बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है, यूराइज पोर्टल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों, तो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो हैं अगर अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनके जो हमारे 15 अक्टूबर से जो कॉलेज खुल रहे हैं उसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको शिक्षा दी जाएगी। तो दोस्तों जो ऑनलाइन के माध्यम से आपको शिक्षा दी जाएगी उसके यहाँ पे लिंक दिए जाएंगे, यानी आप उसी लिंक से जो है वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको ई कंटेंट दिए जाएंगे, पीडीएफ दिए जाएंगे, और बहुत सारी न्यूज़ भी बताई जाएंगी। यानी अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप जो भी अपडेट बीटीयूपी द्वारा होती है या फिर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए आती है वो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे यूराइज पोर्टल के नोटिस के बारे में, दोस्तों नोटिस में क्या बताया गया है। दोस्तों जैसा हर बार की तरह जो नोटिस है बीटीयूपी की तरफ से आई है, और सेवा में किसके लिए, पॉलिटेक्निक के सभी जो प्रिंसिपल हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज के हों, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के हों, चाहे एडेड कॉलेज के हों, सभी कॉलेज वालों के लिए है। और दोस्तों जो नोटिस है 5 अक्टूबर को आई है, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, 5 अक्टूबर को ईमेल के माध्यम से सभी कॉलेज वालों के पास भेजी गई थी। और दोस्तों इस नोटिस के विषय भी आप देख सकते हैं यूराइज पोर्टल पर छात्र या छात्राओं के रजिस्ट्रेशन किए जाने के संबंध में। दोस्तों अगर आप लोगों की मांग होगी तो हम रजिस्ट्रेशन का एक लाइव वीडियो बना देंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कैसे नहीं करना। दोस्तों जैसा कि हमने भी बोला था कि हम आपको बताएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे, और जिनका यूराइज पोर्टल पर यूजर नेम नहीं बन रहा है वो क्या करेंगे। दोस्तों जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वो जो वेबसाइट है अभी बहुत ही बिजी चल रही है, तो आप क्या 2 से 3 बार ट्राई करें, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको मौका मिले आप ट्राई करें, हो सकता है आपका किसी भी टाइम लिंक खुल सकता है और आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि यूजर नेम नहीं बन रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने व्हाट्सअप किया था कि सर यूजर नेम नहीं बन रहा है। दोस्तों यूजर नेम जो है आपका बन जाएगा, अगर
आप एक जो यूजर नेम पहले से आप जो कोई बंदा डाल चुका है, कोई लड़का उसमें डाल चुका है, अगर आप वही नाम फिर से डालेंगे तो जो वेबसाइट है वो आपका नाम नहीं लेगी। तो आपको क्या करना होगा, उससे थोड़ा हट के नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आप उसमें कोई स्पेशल करेक्टर डाल सकते हैं, कोई नंबर डाल सकते हैं, इस तरीके से। दोस्तों तो हमने यहाँ पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, यानी आपके मन में जो भी डाउट था उसे क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं यूराइज पोर्टल के नोटिस के बारे में। दोस्तों नोटिस में आप दे सकते हैं, बताया गया है कि दिनांक 9/9/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र की संस्थाओं के यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन उपरांत ही संस्था के अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्र या छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराए जाने एवं उनके अंक परिषद को प्रेषित किए जाने हेतु नामित नोडल अधिकारी से अपेक्षा की गई थी। यानी दोस्तों दिनांक 9/9/2020 यानी 9 सितंबर को जो है निजी यानी जो भी हमारे पॉलिटेक्निक के प्राइवेट कॉलेज हैं उनके पास सभी स्टूडेंट यानी पॉलिटेक्निक के जितने भी फाइनल एक स्टूडेंट हैं उनके यूराइज पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए उनके पास नोटिस भेजी गई थी। तो वही नोटिस जो है सेम टू सेम यहाँ पर भेजी गई है। अगर आप पॉलिटेक्निक के फाइनल सेमेस्टर में हैं या फिर डिफार्मा के अंतिम वर्ष में हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत ही आपके जो रिजल्ट हैं वो घोषित किए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसका क्या और बताया गया है कि सूच्य है कि परिषद द्वारा समस्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्र या छात्राओं का यूराइज पोर्टल रजिस्ट्रेशन किए जाने के निर्देश शासन द्वारा निर्गत किए गए हैं, परंतु अभी तक लगभग 10,000 छात्र या छात्राओं द्वारा ही यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारे जो परिषद बीटीयूपी है उसने समस्त संस्थाओं में यानी जो भी अगर पॉलिटेक्निक चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, एडेड कॉलेज हो, सभी संस्थाओं में जो है सभी स्टूडेंट के यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं, यानी शासन द्वारा आदेश दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन अभी तक जो है केवल 10,000 स्टूडेंट ही यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए हैं और बाकी स्टूडेंट अभी तक नहीं किए हैं। तो यह बहुत ही बीटीयूपी ने बोला है बहुत ही अत्यंत खेदजनक स्थिति है। क्या करना है, आपको जल्द से जल्द अपना यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों इस बताया गया कि उक्त के दृष्टिगत आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रत्येक दशा में दिनांक 7/10/2020 तक करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित छात्र छात्रा को सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा सितंबर 2020 का परीक्षा फल परिषद द्वारा घोषित नहीं किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था एवं स्वयं संबंधित छात्र छात्रा का होगा। यहाँ दोस्तों यानी कि यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन का अंतिम डेट है वो 7/10/2020 बताया गया है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, घबराइएगा मत, क्योंकि दोस्तों 7/10/2020 बताया गया, लेकिन फिर से क्या हुआ कि अभी जो रजिस्ट्रेशन वाले कार्य थे जल्दी से नहीं हो पा रहा था, यानी सभी बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो क्या हुआ, यूराइज पोर्टल ने अपना जो लास्ट डेट है उसे बढ़ा दिया है। आप उसे अभी उसमें अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपका लिंक नहीं खुल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ओरिजिनल लिंक दिया है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट यूराइज पोर्टल की वेबसाइट पर चले जाएंगे और आप वहां से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप लोगों की मांग होगी तो हमें यूराइज पोर्टल का एक लाइव वीडियो बना के भी आपके यूट्यूब पे डाल देंगे, आप उसको भी देख के अपना उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोगों की मांग होगी तभी हम वैसा वीडियो बना के यहां पे अपलोड करेंगे। दोस्तों हमने अपना फिर यूराइज पोर्टल रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, उसका स्क्रीनशॉट पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं आरके सिंह सचिव के द्वारा इसे भेजा गया था, इस तरीके से और भी यहां पे बातें बताई गई हैं। अगर आप इन सबको पढ़ना चाहते हैं तो इसको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हम इसे वहाँ पीडीएफ रूप में भेज देंगे, आप इसे डाउनलोड करके अपने से पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो, अगर इस वीडियो से थोड़ी आपको नॉलेज मिली हो तो वीडियो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।